ना हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किस तरह करेंगे। उसके लिए हम लोग ने बात किया था कि हम लोग इसमें सबसे पहले कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेट, जिसमें एच आर ई और एच ओ ई को हम लोग जीरो किए थे। लेकिन हम लोग ये भी बात किए थे साथ साथ कि किसी तरह का भी कन्फिग्रेशन हो, ऑलवेज जो हम लोग को यूज़ करना है वो कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पे इसके एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी मीडियम फ्रिक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट है ये हो गया कॉमन कलेक्टर का हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस ट्रांजिस्टर को, ये जो आपका ट्रांजिस्टर जो ब्लू से दिखाया हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करेंगे है ना। तो कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल यानी कि इसको जो हटा दी सिंपल ओके। अब यहाँ पे कॉमन मीटर एच पैरामीटर मॉडल लगाना है, तो यहाँ पे आपको याद होगा बेस से कनेक्टेड जो है हमारा एच आई था ओके, एच आई ई, तो हमने इससे एच आई कनेक्ट कर दिया एच आई ओके। इसमें इनपुट जो है वी बी था है ना, ये वी बी हो गया, या इनपुट हम लोग वी आई लिख दिए सिंपल, ये वी आई हो गया ओके। इसके साथ जो है इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं इस सर्किट को पूरा ओके। तो ये हमारा जो है ये मीटर यहाँ पे कनेक्टेड था, इस मीटर के साथ जो है ये इस तरह से कनेक्टेड था आर ई, और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे थे ठीक है हम लोग है ना, जो भी का सर्किट था ओके, यानी कि इसके थ्रू जो है आई एल फ्लो कर रहा था। अब इसके बाद इधर हमारा क्या था सिंपल ओके, एच एच एफ ई आई पी था, और ये हो गया कलेक्टर पॉइंट सिंपल, बहुत सिंपल है। बस आपको कलेक्टर इमीटर और बेस के टर्मिनल को पॉइंट आउट करना है, और जो भी कॉमन इमीटर एच पैरामीटर मॉडल था उसको वहां से उसको रिप्लेस कर देना है, उसको रिप्लेस करके ही हम लोग इसको फॉर्म करेंगे ओके। नासी अब ये बन गया, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो लोड रेसिस्टेंस है यहाँ पे आ रही है एक्चुअली में ओके, यानी कि ये जो है जो बायसिंग रेसिस्टेंस एक्चुअल में है वही लोड रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है आपका। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ए आई इक्वल टू आई नॉट बाई आई आई ओके। तो यहाँ पे इनपुट करंट हमारा आई बी है, आउटपुट करंट हमारा आई ओ है ओके, तो सॉरी आउटपुट करंट आई एल है, तो आई एल बाई आई बी ये कैलकुलेट करना है हम लोग। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केसीएल लगाते हैं, अप्लाई केसीएल एट ई, जब आप यहाँ केसीएल लगाएंगे तो आई बी आपका आ रहा है इनकमिंग ओके, प्लस एच ए पी आई बी ये भी आ रहा है इक्वल टू आई एल लिख सकते हैं आप, ये देखो आई बी कॉमन हो जाएगा, वन प्लस एच एफ ई इक्वल टू आई एल, यानी कि अब आपको ए आई निकल गया, आई एल बाई आई बी इक्वल टू वन बाई वन प्लस एच एफ ई है ना, एच एफ ई आ गया, ये हो गया आपका वन प्लस एच एफ ई, ये हो गया आपका करंट गेन ओके। एच एफ ई को हम लोग बीटा लिखते हैं, यहाँ पे ए आई जो है बहुत लार्ज होगा। अब हम लोग आर आई निकालेंगे, आर आई यानी कि वी आई बाई आई बी, इसी को कैलकुलेट करना है हम लोग को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, के वी एल अप्लाई करेंगे है ना, अप्लाई के वी एल इन द लूप फर्स्ट ओके। जब आप इसमें के वी एल अप्लाई करेंगे तो सोचो माइनस वी आई प्लस एच आई आई बी होगा, माइनस वी आई प्लस एच आई आई बी प्लस आई एल आर ई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम लोग, आई एल इक्वल टू आपका आई बी इंटू वन प्लस एच एफ ई है ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए वी आई, ये उधर चला गया इक्वल टू एच आई
आई बी प्लस आई एल के बदले में आई बी वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई लिख सकते हैं। अब वी आई यहाँ पे आई बी कॉमन हो जाएगा, तो आर आई इक्वल टू वी आई वाई आई बी इक्वल टू एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। ओके, अब यहाँ देखो आर आई का वैल्यू बहुत लार्जर है ना, आर आई लार्जर, देखो आर ई है, एच आई ये सारा ऐड होके आएगा, तो ये आपका क्या हो गया आर आई। अब हम लोग निकालेंगे ए बी, ए बी यानी कि वोल्टेज गेन, यानी कि वी नॉट बाई वी आई। ओके, तो वी नॉट बाई वी आई, ये देखो वी नॉट हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, आई एल इंटू आर ई, ये वी नॉट हो गया हमारा, है ना। ओके, अब आई एल इंटू आर ई, आई एल का वैल्यू आपको पता है। ओके, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, आई एल इक्वल टू ए आई इंटू आई बी, देन वी नॉट इक्वल टू ए आई इंटू आई बी इंटू आर ई लिख सकते हैं हम लोग, आई थिंक। ओके, तो ए आई इंटू आर ई आई बी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं सिंपल, इसको हम लोग लिखते हैं, देखो वी नॉट इक्वल टू ए आई इंटू आर ई आई बी। ओके, आई बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो वी आई, आई बी इधर आ गया, वी आई बाई डिवाइड बाई दिस यहाँ से। ओके, तो वी आई डिवाइडेड बाई एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ए, वी नॉट बाई वी आई, यही हम लोग को निकालना था, ए आई इंटू आर ई। एग्जाम में डेरिवेशन आपको पूछेगा, दैट्स आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा वोल्टेज गेन निकल गया है ना। अब यहाँ देखो ये वोल्टेज गेन का वैल्यू जो है, अब इसमें और आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ए आई इक्वल टू वन प्लस एच एफ ई, यहाँ पे वन प्लस एच एफ ई हो जाएगा, ये इसका वैल्यू जो है देख रहे हैं, वोल्टेज गेन का वैल्यू जो है ये वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, और एच आई का वैल्यू जो है बहुत कम होता है, तो ये नियर अबाउट क्या होगा, इक्वल टू वन, यानी कि वोल्टेज गेन जो होगा आपका यूनिटी के बराबर होगा। अब हम लोग जो है आउटपुट, ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये देखो वी नॉट बाई वी आई जो यहाँ पे क्यों हुआ इक्वलिटी वन, क्योंकि वन प्लस एच एफ ई आर ई जो है इसका वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है एच आई, एक आने की ए भी अब होगा आपका जो नियरली इक्वल टू वन होगा, तो ये भी नियरली इक्वल टू वन, ये क्या बता रहा है कि एसी आउटपुट वोल्टेज जो है नियरली, ओके, वो आइडेंटिकल होगा एसी इनपुट वोल्टेज की जैसा, यानी कि आपका जो वोल्टेज होगा आउटपुट नोड का वो हमेशा फॉलो क्या करेगा इनपुट वोल्टेज को, इसी तरह इसलिए हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को जो है हमेशा इमीटर फॉलोअर करते हैं, आउटपुट जो है ओके ये हमेशा जो है इनपुट को फॉलो कर रहा है, इनपुट यहाँ पे क्या है आई बी, तो यहाँ पे इनपुट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इनपुट वोल्टेज वी आई को फॉलो कर रहा है, इसलिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को हम लोग क्या करते हैं इमीटर फॉलोअर, है ना। अब हम लोग फिर से आई नोड को कैलकुलेट करेंगे, आई नोड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, वी एस को शॉर्ट कर देना है। ओके, ये वी एस को शॉर्ट कर दिए, उसके बाद लोड डिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देना है, लोड को डिस्कनेक्ट कर दिए, लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अक्रॉस जो है वी एक्स वोल्टेज लगा देते हैं, वी एक्स वोल्टेज लगा दिए, उसके बाद इसके थ्रू जो है हम लोग आई एक्स करेंट फ्लो करवा देते हैं, और हम लोग कहते हैं कि आर नॉट जो है वो क्या है वी एक्स बाई आई एक्स, ये करते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सी, ये देखो जब ये शॉर्ट हो गया तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, नहीं जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो इसको हम अलग से बना सकते हैं यहाँ पे, आर एस पैरेलल आर बी,
ठीक उसी तरह हम लोग जो है ई पे केसीएल लगाते हैं, तो आई बी इसमें इनपुट आ रहा है प्लस एच एफ ई, आई बी इनपुट आ रहा है प्लस आई एक्स, ये भी इनपुट आ रहा है इक्वल टू जीरो, ये तीनों इनपुट है ना, तो आई एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एच एफ ई इंटू आई बी हो गया। नहीं फिर केवीएल आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आर एस पैरेलल आर बी इंटू आई बी प्लस एच आई इंटू आर आई बी प्लस वी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू माइनस आर एस पैरेलल आर बी प्लस एच आई इंटू आई बी, लिख सकते हैं दोनों को डिवाइड करेंगे ये हो गया वी एक्स वाई आई एक्स, नहीं माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो वन प्लस एच एफ ई डिवाइड बाई आर एस पैरेलल आर बी प्लस एच आई, उल्टा लिख दिया उल्टा लिख दिया, ये ऊपर चला जाए हाँ। ओके दोनों डिवाइड कर दी, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर नोड का वैल्यू जो है बहुत स्मॉल होगा क्योंकि इसका वैल्यू बहुत लार्ज होता है। ओके तो ये हो गया आपका क्या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।